आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अपने फ्रेंड से की गई एक चैट जो कि मैंने कल रात को की थी। मेरा बस ऐसे मूड बन गया तो मैंने उसको मैसेज कर दिया। इस लड़की के बारे में बताता हूँ कि भाई ये लड़की बहुत ही चौड़ में रहती है, एटीट्यूड वाली है, मगर इससे इतनी डबल मीनिंग वाली बातें की हैं, इतनी मस्त रोमांटिक बातें की हैं ना कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा, सच में तुम्हारा मूड बन जाएगा। कैसी कैसी बातें की हैं चलो देखते हैं। तो मैंने ऐसे इसको रात के 2 बज रहे थे तो मैंने इसको मैसेज मार दिया, क्या तुम भी मेरी तरह तन्हा हो, अकेली हो? लड़की कहती है, क्यों तुम मेरी तन्हाई दूर करोगे क्या? मैंने बोला, कर तो दूंगा, बट फिर तुम रोज तन्हाई का बहाना ढूंढोगी मेरे करीब आने का। लड़की समझ गई कि मूड में लौंडा। लड़की कहती, कितने डिग्री सेल्सियस का रोमांस चढ़ा हुआ है जी? मैंने कहा, आओ चेक कर लो ना जी। लड़की कहती, रुको आई। लड़की फिर बोलती है, बाप रे बहुत हॉट है बॉडी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा मोटा वाला। मैंने कहा, मोटा वाला ही क्यों? लड़की बोलती, आज मूड में है लड़का लगता है। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें समझाता भी रहता हूँ कि चैट करते कैसे हैं, कि मैंने यहाँ पर क्या हाय हेलो नहीं भेजा, ठीक है? हम लौंडे क्या करते हैं, हाय हेलो भेजते हैं। लड़कियों को कभी हाय हेलो नहीं भेजना चाहिए, और वो भी उस लड़की को जिसके पास हाय हेलो की लाइन लगी होती है। कुछ कैची बोलो, कुछ अलग से बोलो। तो मैंने क्या बोला, एम ही बोल दिया कि क्या तुम भी मेरी तरह तन्हा हो अकेली, एम ही कुछ भी भेज दिया क्योंकि रात में ऑनलाइन थी, ठीक है? तो लड़की एटीट्यूड में दिखाई रही है, लड़की का एटीट्यूड दिखाने दो, ठीक है? ज़्यादा टेंशन मत लो। तो तुम भी कुछ ना कुछ फनी मारते जाओ, ठीक है? लड़की का यहाँ देखो जी आया। जब भी लड़कियां जी वर्ड का यूज करें, लड़कियां आप बोलना यूज करें जो कि वो यूजली नहीं बोलती हैं, तो समझ आना लड़की इंटरेस्ट ले रही है और लड़की से तुम थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर सकते हो। और यहां पर फ्लर्ट का रिप्लाई भी इसने दिया, बाप रे बहुत हॉट है बॉडी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा मोटा वाला। मोटा वाला इसने ऐसे ही कहा था जो बच्चों बोलते हैं, मोटा इंजेक्शन लगेगा दर्द होगा। मैंने मोटे को एम ही ना डबल मीनिंग में ले लिया। तो मैंने बोला, मोटा वाला ही क्यों? तो लड़की ने बोला, आज मूड में है लड़का लगता है। मैंने बोला, पागल के अलावा एक मूड ही तो है जो तुम बना लेती हो। लड़की बोलती है, पागल कब बनाया भाई? लड़कियों को मूड वाला बनाने वाला सिस्टम में ना तारीफ लगता है। तो मैंने बोला, अच्छा ये मान लिया मतलब कि मूड बनाया है। लड़की कहती है, तुम सो जाओ भूत खा जाएंगे नहीं तो आपको। देखो आपको बोला इसने, तुम सो जाओ भूत खा जाएंगे आपको नहीं तो, तुम और आपको। आपको बोलना मतलब लड़की इंटरेस्ट ले रही है। तो मैंने कहा, सही है ना, मैं भी भूत बन जाऊंगा और के बाद मैंने डॉट 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 लगा दिया, सस्पेंस छोड़ दिया, आगे नहीं बोला मैंने। लड़की बोलती, और क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला, लड़की बोलती है, बोलो ना। मैंने बोला, फिर ना, मैं सस्पेंस बनाया जा रहा हूँ और हाइप बनाया जा रहा हूँ। लड़की बोलती है, फिर क्या? लड़की देखो नाराज़ हो गई कि बता नहीं रहा कमीना। तो मैंने बोला, फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा रोज़ रोज़। अब ऐ वही घर में उसके कीर्तन करने तो जाऊँगा नहीं रात में, है ना, कुछ क्या करूँगा देखो। तो लड़की कहती है, रहने दो भाई, तुम्हारा भूत भी तुम्हारी तरह रोमांटिक होगा। लड़की बात को आगे बढ़ाना चाहती है, लड़की चाहती कि ये टॉपिक चलता रहे क्योंकि लड़की प्रीवियस टॉपिक रोमांटिक वाला उठाए जा रही है। तो लड़की ने क्या बोला, रहने दो भाई, तुम्हारा भूत भी तुम्हारी तरह रोमांटिक ही होगा। तो मैं बोला, हाँ फिर मैं तुम्हें खा जाऊँगा और तुम भी रोमांटिक हो जाओगी, ये। तो लड़की को मैंने और मुझे मतलब करने वाली बातें शुरू कर दिया ना, रोमांटिक भी बातें चल रही हैं। तो मैंने बोला, मैं भी तुम्हें खा जाऊँगा, तुम भी रोमांटिक हो जाओगी। लड़की बोलती है, भग बदमाश कहीं के। मैंने बोला, ये बताओ, देखो लड़की ने भग बदमाश कह दिया, यानी कि लड़की कंटिन्यू नहीं करना चाहती है और लड़की चाहती है कि मैं कुछ बोलूँ। नहीं तो लड़की कुछ भी बोल सकती थी, जब मैंने बोला मैं तुम्हें खा जाऊँगा तो लड़की बोलेगी, नहीं मैं खुद ही रोमांटिक हूँ या मेरे को नहीं रोमांटिक बनना, ये कुछ भी बोल सकती थी। लेकिन लड़की ने क्या बोला, भग बदमाश कहीं के। तो मैंने क्या कहा, ये बताओ, फिर मैंने सस्पेंस छोड़ दिया, तुम्हें भी सस्पेंस छोड़ना चाहिए। तो लड़की पूछेगी ना क्या, तो लड़की ने पूछा क्या, तो मैंने बोला, जगह तो है ना तुम्हारे बेड पे। अब तुम ये मत पूछना डायरेक्टली, ये मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और काफ़ी बातें यू नो हो चुकी हैं, इसलिए मैंने बोला कि जगह तो है ना तुम्हारे बेड पे। तो लड़की बोलती है, थोड़ी सी है बट। तो अगर कोई रैंडम लड़की होगी ना तो चप्पल खींच के मारेगी, वो लेफ्ट पैर वाला है ना, तो तुम ऐसे रैंडमली मत बोलना, जब अच्छे से बात हो तभी बोलना। तो लड़की ने बोला, थोड़ी सी है बट। तो मैंने बोला, उफ चलेगा। लड़की बोलती है, कहाँ से हो गए, लेफ्ट या राइट? लड़की पूछे, लेफ्ट से हो गए या राइट से हो गए? और मैं हरामी हूँ, मैंने बोला ना लेफ्ट ना राइट। अब एक ही जगह बची ना, या तो उसके ऊपर या तो उसके नीचे। लेकिन लड़की को समझ में नहीं है, लड़की भोली भाली बन रही है, उसको सब समझ में आ रहा, बहुत ज्ञान है इसको। लड़की बोलती है, तो मैंने बोला, गेस करो। अब मैं लड़की से निकलवाना चाह रहा हूँ, हरामी तो मैं भी कम नहीं हूँ। लड़की बोलती है, मुझे हटा के मेरी जगह पे। लड़कियाँ इतनी सीधी, अरे हट। लड़की का ये स्माइली देखो, देखो कैसे भोली बन रही है, ऐसे चिढ़ाते हुए नाराज़ होते हुए कि क्या बोल रहा है। तो लड़की ने बोला, मुझे हटा के मेरी जगह पे, मैं भी हरामी। मैंने कहा, हाँ तुम्हारी जगह पे, बट तुम्हें हटाए बिना। अब उसकी जगह पे उसको हटाए बिना तो बस उसके ऊपर ही आया जा सकता है। लड़की बोलती है, ओह पास आने की जल्दी है। मैंने बोला, नहीं पास आने की जिद है। लड़की बोलती है, पास आने से मुझे तुम्हारे वाला फीवर हो गया देन।
अब देखो लड़की बहुत इंटरेस्ट ले रही है, लड़की जब इंटरेस्ट लेगी तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद ही पूछेगी। तो लड़की ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, जबकि पहले नहीं पूछा था, थोड़ी देर पहले लड़की ने क्या बोला कि पास आने के, क्या बोल रही है, पास आने से मुझे तुम्हारे वाला फीवर हो गया। देन तो मैंने बोला नो वरीज, मैं सही कर दूंगा। अब लड़की ऑब्वियसली पूछेगी ना कैसे सही कर दोगे, तो लड़की ने पूछा कैसे, तो मैंने बोला तुम्हारे और पास आके। लड़की बोलती है कितना पास? मैं बोला इतना पास कि तुम्हारी गरम गरम सांसें मैं फील कर सकूं और मेरी तुम। लड़की बोलती है क्या बात, और लड़की को और मज़ा आ रहा है। मैंने बोला और तुम्हारे और करीब आऊं, इतना करीब कि तुम्हारी आईज धीरे धीरे क्लोज होने लगे। लड़की कहती है देन, मैंने रिप्लाई नहीं किया जानबूझ के। फिर लड़की बोलती है कहाँ गए? मैंने बोला देन मैं तुम्हारे थोड़ा सा क्लोज आके अपने लिप्स तुम्हारे लेफ्ट ईयर पे ले जाके। लड़की बोलती है एंड देन, बिल्कुल दिल विल सब चमक रहे हैं। मैंने बोला एंड देन धीरे से कहूँ, रात के 3 बज गए हैं, सो जाते हैं। मैं हंसने लग गया क्योंकि मुझे पता था यहाँ से अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो चीज़ें और उधर को चली जाएंगी, और मैं नहीं चाहता था क्योंकि मेरे का मूड बन गया था कि इससे वीडियो बनाएंगे, तो मैं नहीं चाहता था कि इतना कुछ हो जाए। तो इसने बोला गुस्से में, हद अर्पित, आई वॉज इमेजिनिंग एवरीथिंग। देखो ये चीज़ ज़रूरी है, लड़की का इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लड़की से इमेजिनेशन नहीं करवाओगे तो कोई भी लड़की तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगी। खासकर ऐसी चीज़ें अगर तुम रोमांटिक बातें कर रहे हो या कोई डरावनी बातें कर रहे हो या कोई अपनी स्टोरी बता रहे हो, तो लड़की को इमेजिन करना ज़रूरी है। इतना अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये ऑब्वियसली डिपेंड भी करता है कि आसपास का माहौल कैसा है। तो अगर लड़की अच्छे से इमेजिन करेगी तभी आपकी बातों को इन्जॉय कर पाएगी। तो लड़की ने बोला देखो कि आई वॉज इमेजिनिंग एवरीथिंग। मैंने बोला कॉल, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर सब कुछ बातें करूँ, क्योंकि मैं इसको नाराज़ भी नहीं करना चाहता था, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर बातें हो और फिर सारी बातें खुल जाए। देखो यहाँ पर मैंने नागिन लगा ली और मैंने उसको बोला कि कुछ भी प्रोफाइल पिक लगा लो, अपनी मत लगाना, क्योंकि मैंने बोल दिया था इसको कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो शायद ये भी देखे। तो लड़की ने क्या बोला, दी है यार साली, बॉयफ्रेंड से लगी पड़ी है, पता नहीं कब सोएगी पीसी। लड़की अपनी बहन को ही गाली दे रही है, अब उसकी बहन मेरे को गाली देगी। फिर मैंने इसको बोला कंट्रोल मजनू कंट्रोल, तो फिर बोलती है तुम्हारे साथ मुश्किल है कंट्रोल करना। तो मैंने बोला कोई ना बेबी, कल करेंगे। तो बेबी पे इसने बोला बेबी, तो लड़की बोलती है कल क्या करोगे? मैंने बोला सब कुछ। लड़की बोलती है सब कुछ मतलब? मैंने बोला सब कुछ मतलब सब कुछ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। लड़की बोलती है नहीं समझी, तुम्हें समझ में आ गया ना कि नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, ईस्ट मतलब पीछे, वेस्ट मतलब आगे, है ना, तुम भी यूज़ कर सकते हो। तो लड़की, तो मैंने बोला तुम मेरी मैप हो और मैप के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। लड़की बोलती है और ईस्ट और वेस्ट? मैंने बोला ईस्ट बैक एंड वेस्ट फ्रंट। लड़की बोलती है बी सी, लॉजिक ही लॉजिक, फ्लड में भी मैथ्स लगा दो तुम, आई मीन जियोग्राफी, गर्लफ्रेंड से लग गए क्या भाई? मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया था एक मिनट तक, तो लड़की बोल रही है कि गर्लफ्रेंड से लग गए क्या? एक्चुअली मैं बहुत ही वो हूँ कि मैथ्स ही मैथ्स का लॉजिक लगाता रहेगा हर चीज़ में, ना मेरे को थोड़ा था मैथ्स का, बहुत पसंद थी मेरे को मैथ्स, तो बोल रही तुम मैथ्स ही मैथ्स लगा दो हर जगह। तो मैथ्स नहीं लगा, मैंने कहा मैं तन्हा हूँ ना यार, जो कि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि तुम भी क्या मेरी तरह तन्हा हो। तो लड़की बोलती है मुझे बना लो। अब देखो लड़की गर्लफ्रेंड बनने की बात कर रही है कि मुझे बना लो क्योंकि मैं तन्हा हूँ। तो मैंने एक बोला क्या, अब मैं भी सीधा बन गया। लड़की बोलती है सब कुछ, जो कि मैंने बोला था ऊपर सब कुछ। तो मैंने बोला सब कुछ? लड़की बोलती है यू नो तुम्हारी टूटी फ्रूटी का ब्रेकअप हो गया, शूट योर शॉट। मतलब कि एक लड़की इसकी फ्रेंड है तो उसको टूटी फ्रूटी सब कहते हैं। तो मैंने बोला टूटी फ्रूटी यार बड़ी प्यारी है, उसने येलो कलर का पहन रखा, तो मैंने तो पूरी फ्रूटी है, टूटी फ्रूटी दिखा दो यार, मुझे टूटी फ्रूटी पीने का मन कर रहा है। तो इसने बोला कि उसका ब्रेकअप हो गया, अभी पता नहीं अपने फ्रेंड की बात करते, अच्छा नाम नहीं लिया। मैंने बोला उफ कल बात करते हैं, अभी सो रहा हूँ मैं, तो मैं नहीं चाहता था आगे बात हो। तो लड़की बोलती है टूटी के नाम पे इतनी जल्दी, अभी तो ब्रेकअप हुआ ही है जी। तो लड़की को लगा मैं टूटी के पास जाऊँगा। मैंने बोला कि नहीं, मैंने हंसते हंसते बोला कि नहीं यार काम है थोड़ा, चलो बाय। लड़की कहती है बाय, फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। लड़की को मज़ा आया, लड़की को मज़ा आना ज़रूरी है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, इसका पार्ट टू बनाते हैं। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट टू आए चैट का तो 5K लाइक्स, देखते हैं कितने होते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक है, वो हमारा नया चैनल है, प्लीज़ उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा चैनल, एक बार जाकर तो देखो।